the food here, that is Pandra and Tamra Rasta, famous in Kolhapur, is Kolhapuri Chappal. Shivaji Appa. ये जो गेट मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है, यहाँ पे लड़ाई भी हुई थी ब्रिटिश आर्मी से. वी पार्क्ड आवर कार एंड नाउ वी आर टेकिंग दिस रिक्शा टू गो टू महालक्ष्मी टेम्पल. चलो चलो अभी यहाँ पे आते हैं. चलो ओ आई लव दिस पापड़. ये जो सेक के बनाते हैं बालू में सैंड यूज करके, मुझे बहुत पसंद है. नो कैलोरी. बहुत ही पुराने बिल्डिंग्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये वाला. रोड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये. क्या नाम है हॉस्पिटल का? सीपीआर छत्रपति प्रेमीलाल जी. ओके काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा है मुझे यहाँ पे. मेडिकल कॉलेज भी है ना उधर. ओके ए वस्तु संग्रहालय कोल्हापुर. ये क्या है यहाँ पे? ये टाउन हॉल वस्तु संग्रहालय. पुराना पुराना एंटिक्स एंटिक चीजें म्यूजियम है. म्यूजियम वस्तु संग्रहालय. सो देयर वाज अ म्यूजियम ऑन द राइट हैंड साइड बट टुडेस फोकस इज महालक्ष्मी टेम्पल. नहीं रहा है तो दैट्स महानगर पालिका फॉर यू. रिड्यूस ट्रैफिक ऑन दिस रोड. ये साइड में कोल्हापुर चप्पल मार्केट है. ये वाले साइड में. ओके सो एज वी ऑल नो देयर आर थ्री थिंग्स वेरी फेमस इन कोल्हापुर. वन इज ऑफ कोर्स द महालक्ष्मी टेम्पल एंड द सेकेंड वन इज द फूड हियर दैट इज पांड्रा एंड तांबड़ा रस्ता एंड द थर्ड वन इज कोल्हापुरी चप्पल. सो ही शोड अस द वे टूवर्ड्स द लेन विच सेल्स कोल्हापुरी चप्पल्स. अगर टाइम मिला तो हम वहाँ जाएंगे. मैंने अभी सिर्फ कुछ किलोमीटर्स ही कोल्हापुर में ट्रैवल किया था, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि कोल्हापुर की काफ़ी रिच हिस्ट्री है. ये क्या दिख रहा है सामने? ये वो 1857 का बंड हुआ था ना इंग्रेज के विरुद्ध. हाँ. वो उधर लड़ाई हुई थी ब्रिटिश के विरुद्ध में. यहाँ पे अंदर. अच्छा इसके अंदर लड़ाई हुई थी 1857 में शिवाजी अप्पा. ओके इस गेट से अंदर जाते हैं वो महालक्ष्मी को. अच्छा छत्रपति शाहू महाराज की प्रॉपर्टी पूरा. अच्छा और वो सामने अंदर गए ना, वो सामने प्रॉपर्टी बड़े दिखता है ना, वो छत्रपति का वो भवानी मंदिर है. ओके वो भी अच्छा है देखने को. अच्छा हो गया बस. कितने सो वी हैव रीच्ड दिस प्लेस और अभी हमें यहाँ से चलना पड़ेगा आगे जाने के लिए, महालक्ष्मी मंदिर जाने के लिए. तो काफ़ी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे. अपने ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि आगे ये जो गेट है, ये जो गेट मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है, यहाँ पे लड़ाई भी हुई थी ब्रिटिश आर्मी से. When I looked at this gate, I felt as if I was walking back in the past. Everything looked so colorful. Hundreds of devotees from different parts of the country come here to seek the blessings of Mahalakshmi. I was here too to experience this majestic and divine feeling.